वेलकम साथियों, आज की जो ये टॉपिक है ये है सूर्योदय की टॉपिक है। इस पर हम क्या करेंगे, एक एक वर्ड के लेके लेके उसको हिंदी में हम लिख के बताएंगे ताकि आपको अच्छी से समझ में आए, और साथ ही साथ ग्रामर और टेंथ से जुड़े छोटी छोटी बातें भी बताएंगे, और हर एक वर्ड का उसे हिंदी में लिख के बताएंगे। ये वीडियो स्टार्ट किया था लेकिन ऑन नहीं हुआ था, चलिए फिर से हम इसको आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे इट मीन्स होता है या, इज मीन्स होता है, यानी यह है बेनिफिशियल फॉर द पीपुल, यानी फायदे, बेनिफिशियल का मतलब होता है फायदेमंद, अब फॉर का अर्थ हो जाता है हिंदी में के लिए, पीपुल मीन्स होता है लोग, यानी लोगों के लिए यह फायदेमंद है, ठीक है। और एंड मीन्स होता है और, द मॉर्निंग व्यू यानी सुबह, मॉर्निंग व्यू मतलब होता है सुबह का नज़ारा, सुबह का नज़ारा है, आल्सो मतलब होता है भी, वेरी चार्मिंग मतलब क्या होता है बहुत, चार्मिंग का मतलब होता है मनमोहक, यानी सुबह का नज़ारा भी क्या है बहुत ही मनमोहक है। व्हेन जब वी वेकअप, हम वेकअप मतलब क्या होता है जगना होता है, उठना होता है, ठीक है, उठते हैं जब हम लोग नींद से उठते हैं ना उसी को बोलते हैं वेकअप। जब हम उठते हैं इन द मॉर्निंग यानी सुबह में, सुबह में, और एंड मीन्स होता है और, लुक टुवर्ड, लुक मतलब क्या होता है देखना, अगर आप किसी भी चीज़ को ध्यान से देख रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं लुक, और वॉच का मतलब बताइएगा कि वॉच हम लोग किस कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। टुवर्ड मतलब होता है की ओर, जब हम लोग देखते हैं द सन यानी सूर्य, जब हम लोग सूर्य की ओर देखते हैं, द रेडनेस यानी रेडनेस का मतलब होता है जो सूर्य का जो प्रकाश जो होता है वो सुबह सुबह क्या होता है बहुत ही लालिमा नज़र आती है, उसी को बोलते हैं रेडनेस, ठीक है, यानी लालिमा, और मतलब होता है कायब की, द सन यानी सूरज, यानी सूरज की लालिमा, ठीक है। स्प्रिट मतलब क्या होता है फैला होता है, फैलती है, क्यों हम यहाँ पे फैलती का क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये क्या है वर्ब है, और वर्ब में क्या है एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, फैलती है, ठीक है। अक्रॉस द स्काई, अक्रॉस मतलब क्या होता है पूरे आकाश में, पूरे आकाश में क्या होती है फैलती है। और ग्रेडली मतलब होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे, द सन रे यानी सूर्य का प्रकाश, यहाँ पोस्ट ऑफिस लगा है इसका मतलब क्या होता है का, और सन में क्या होता है सूर्य, ठीक है, सूर्य का किरण, सूर्य की किरणें, ठीक है। स्टार्ट गिविंग मतलब क्या होता है देना शुरू करती है, लाइट मतलब प्रकाश देना शुरू, और जो सूर्य का प्रकाश है वो क्या, सूर्य की जो किरणें हैं वो क्या करती है प्रकाश देने लगती है या फिर देना शुरू करती है। और लुमिनियस मीन्स होता है, इसका भी मतलब क्या था रोशनी, इन द मॉर्निंग यानी सुबह में, सुबह में सिद्धा ब्रिज सेलिब्रेट इन द एयर, यानी सिद्ध मतलब क्या होता है स्वच्छ, पूरी अच्छी तरह, ठीक है, स्वच्छ जिसको बोलते हैं शुद्ध, या फिर हम लोग इसको सिद्ध भी बोल सकते हैं। सिद्ध ब्रिज मीन्स होता है हवा, यानी शुद्ध हवा, सेलिब्रेट मतलब क्या होता है फैल जाती है या फिर फैल जाती है पूरी हवा में, ठीक है, सेलिब्रेट मतलब क्या होता है फैलना, ठीक है। सुबह जब हम लोग जग के उठते हैं ना उसमें, उसमें क्या होता है पेड़ पौधे भी क्या होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और सूर्य ऑक्सीजन छोड़ती है, तो उसमें भी क्या होता है सुबह सुबह में ऑक्सीजन बहुत ताज़ी ताज़ी हवा छोड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है पूरे वातावरण में ऑक्सीजन फैल जाता है, ठीक है, और उसमें उठने से क्या होगा हमें ताज़ी ताज़ी हवा मिलती है बिना पॉल्यूशन का। देखिए यहाँ पर दैट्स व्हाई, इसलिए, इसलिए दैट्स व्हाई का मतलब होता है इसलिए, एवरी डे मतलब हर दिन लोग वेकअप मतलब क्या होता है उठ जाते हैं, उठ जाते हैं, इन मीन्स होता है हमें द मॉर्निंग यानी सुबह,
इसलिए हर दिन क्या करते हैं लोग सुबह में उठ जाते हैं एंड और गो आउट मतलब जाते हैं मतलब या फिर बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, निकलते हैं। फॉर मतलब क्या होता है लिए, वॉक मतलब क्या होता है टहलने, और टहलने के लिए क्या करते हैं लोग बाहर निकलते हैं। ठीक है, वॉकिंग एंड एक्सरसाइज व्यायाम करना, व्यायाम करना और एक्सरसाइज मतलब क्या होता है, अच्छा वॉकिंग मतलब क्या होता है टहलना, टहलना और व्यायाम करना, व्यायाम करने के बाद। ठीक है, वाकी वेक अप, वेकिंग अप इन द मॉर्निंग यानी सुबह में उठते। ठीक है, देखिए यहाँ पे सुबह में उठने के बाद क्या करते हैं, एक्सरसाइज और व्यायाम करते हैं। ठीक है, इन मिस होता है मैं, मॉर्निंग मिस होता है सुबह, सुबह में उठने के बाद एक्सरसाइज और व्यायाम करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है हेल्प मतलब होता है मदद मिलती है, मदद मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है एस लगा है, इन प्रॉपर ब्लड, इन मिस होता है मैं, प्रॉपर मतलब होता है उचित, ब्लड मतलब क्या होता है खून, सर्सिकुलन मतलब होता है रक्त प्रवाह। ठीक है, यानी ब्लड का क्या होता है प्रवाह होता है। ठीक है, इन द बॉडी, इन मीन्स क्या होता है मैं, द बॉडी मतलब क्या होता है शरीर, शरीर में क्या होता है अच्छी तरह से ब्लड का प्रवाह होता है। द और द पर्सन यानी लोग रिमेन हेल्दी मतलब, रिमेन मतलब क्या था उसको बनाए रखता है, हेल्दी मतलब क्या था स्वस्थ, लोगों को क्या करता है हेल्दी यानी स्वस्थ बनाए रखता है। द डे यानी दिन, स्टार्ट यानी शुरुआत, दिन की शुरुआत, विथ मतलब होता है क्या साथ, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर, रेमिस होता है किरणों, दिन की शुरुआत सुंदर किरणों के साथ होती है। ठीक है, ऑफ मतलब होता है काया फिर की सनराइज मतलब क्या सूर्य, सूर्योदय यानी सूर्योदय के सुंदर किरणों के साथ होती है। ठीक है, सो इसलिए या फिर जिससे, इसका मतलब क्या होता है जिससे भी होता है, जिससे द मैंड, द माइंड यानी क्या होता है दिमाग, दिमाग रिमाइंड क्लाइम मतलब क्या होता है शांत रहती है, यहाँ पे रिमाइंड मतलब क्या शांत रहती है। ठीक है, थ्रू आउट मतलब होता है क्या पूरा, द डे यानी दिन, पूरा दिन क्या होता है शांत रहता है। ठीक है, और द पर्सन यानी लोग वर्क्स डेडिकेटली मतलब काम करती है, काम करती है डेडिकेटली मतलब क्या होता है पूरी मतलब लगन से। ठीक है, इन मीन्स होता है हमें हिज वर्क यानी अपना काम, एट दिस टाइम मतलब होता है इस समय, एट दिस टाइम का पूरे का मतलब होता है यह समय, अभी इस समय चिल्ड्रेन मतलब बच्चे गो आउट मतलब जाते हैं, प्ले मतलब होता है खेलने, बच्चे खेलने जाते हैं क्रिकेट और फुटबॉल, इन मीस होता है मैं, बिग ग्राउंड यानी बड़े मैदान में, बड़े मैदानों। ठीक है, जो कीप मतलब रखती है, रखती है दे मतलब क्या था उन्हें, जो उन्हें रखती है हेल्दी थ्रू आउट द डे यानी पूरा दिन, पूरा दिन, हेल्दी मीन्स क्या होता है स्वस्थ, जो उन्हें स्वस्थ रखती है पूरा दिन। ठीक है, ट्रीट, ट्री यानी मतलब क्या होता है पेड़। ठीक है, भी
स्टार्ट मतलब क्या था, शुरू करती है, ठीक है, देयर वर्क मतलब अपना काम। पेरेंट्स क्या करते हैं, अपना काम शुरू करती है एट द टाइम यानी उसी समय ऑफ सनराइज यानी सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय स्टार्ट करती है। वैन मतलब होता है जब, आई मतलब क्या होता है, मैं वेकअप जगता हूँ या फिर उठता हूँ। इन द मॉर्निंग मतलब क्या होता है, इनमें होता है मैं, द मॉर्निंग मतलब होता है सुबह, जब मैं सुबह में उठता हूँ तो आई मतलब क्या होता है, मैं गो फॉर ए वॉक, मैं जाता हूँ क्या, फॉर मतलब क्या होता है के लिए, वॉक मतलब क्या होता है टहलने। इनमें होता है मैं, गार्डन में क्या होता है बगीचे, मैं बगीचे में जाता हूँ टहलने के लिए। सो मतलब होता है इसलिए, द स्मॉल प्लांट यानी छोटे पौधे और फ्लावर में क्या होता है फूल यानी बर्ड्स में होता है कलियाँ। छोटे पौधे और कलियाँ यानी फूलों की कलियाँ ऑफ गार्डन, ऑफ मतलब क्या होता है काया, फिर की गार्डन में सोचा था बगीचा, बगीचे की रखती है, ठीक है, एक डिफरेंट एनर्जी मतलब क्या होता है अलग ऊर्जा, अलग ऊर्जा रखती है, ठीक है, जो अट्रैक्ट मतलब क्या था आकर्षित करती है, अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करती है द पर्सन इन लोगों को। द ड्यू ड्रॉप यानी ओस की बूंदें, ठीक है, ड्यू ड्रॉप मतलब होता है ओस की बूंदें। फॉलिंग मतलब क्या था गिरती है, और मिस क्या होता है पर, ठीक है, द लीफ यानी पत्तियों पत्तियों पे गिरती है, ठीक है, साइन मतलब चमकती है, जैसे लाइक मिस क्या होता है जैसे होता है, ठीक है, जैसे क्या होता है डायमंड मतलब होता है हीरे, और पियर्स मिस होता है मोतियों, जैसे हीरे और मोतियों के जैसा चमकती है। और ठीक है, फॉल मतलब क्या होता है गिरना होता है, गिरती है। वैन टच, वैन मतलब क्या होता है जब छूते हैं तो, छूते हैं। दिया व्यू मतलब क्या होता है नज़ारा, ऑफ मतलब होता है काया, फिर की सनराइज मतलब क्या होता है सूर्योदय, सूर्योदय का नज़ारा, ठीक है। फैंटेस्टिक्स, फैंटेस्टिक के मतलब होता है बहुत ही कह सकते हैं मनमोहक या फिर मोहक, ठीक है। ऑफ माइंड यानी इसका पूरे का मतलब, फैंटेस्टिक माइंड मतलब होता है मनमोहक, ठीक है। वन फीलिंग लाइक मतलब महसूस होता है जैसे, ठीक है, सींग मतलब क्या तो देख कर, ठीक है, यह सीन मतलब क्या था नज़ारा, अगेन मतलब क्या था फिर, और फिर दोबारा और दोबारा, ठीक है। फॉर मतलब लेकिन, फॉर हिज वंस मतलब के लिए,